Hey guys, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सबको. माय नेम इज संजीत मिश्रा, आई एम योर जीए एजुकेटर. और आज हम बात करेंगे अपने करंट अफेयर्स की. तो आई होप कि आप लोग अच्छे बच्चों की तरह नहा धो के हमारा करंट अफेयर्स एंजॉय करेंगे. चाय कॉफी ले लीजिए और शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स. और स्टार्टिंग करेंगे हमेशा की तरह अपने पेड बैच के बारे में. तो गाइज, हमारा एक्सप्रेस वीडियो कोर्स स्टार्ट हो चुका है काफी दिन पहले से ही. और ये जो हमारा एक्सप्रेस वीडियो कोर्स है, ये बस 1499 का है. 1499 का ये कोर्स आपको हम दे रहे हैं. इस 1499 कोर्स में गाइस आपको 6 सब्जेक्ट मिलते हैं पूरे पूरे. 6 का मतलब 2 क्वांट के कोर्स हैं पूरे, 2 रीजनिंग के कोर्स हैं, 1 इंग्लिश का और 1 जीए का. कंप्लीट कोर्स है बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए 1499 में. इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, मतलब लाइफ टाइम के लिए आप इसे देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस पूरे, ठीक है. और अगर आप हमारा एक्सप्रेस वीडियो कोर्स खरीदते हैं तो गाइस हमारा इंडिविजुअल लाइव बैच भी चलता है. और ये जो हमारा इंडिविजुअल लाइव बैच चलता है, इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं. तो अगर आपके पास एक्सप्रेस वीडियो कोर्स है, अगर आपने ये कोर्स परचेस नहीं किया है तो आपको 499 देना पड़ेगा. अच्छा, एक्सप्रेस वीडियो कोर्स में हम आपको 1 साल के लिए अपना मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, आपको अलग से ये परचेस करने की जरूरत नहीं है. और आपको टेलीग्राम चैनल भी मिलता है इसमें फिलहाल. तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी. चलिए शुरू करते हैं अपना वार्म अप सेशन. वार्म अप बहुत जरूरी है. वार्म अप अगर ना हो तो मतलब कोई काम हम करें ना, तो हम वो अच्छे से नहीं कर पाते. तो वार्म अप की बात करेंगे. मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे और आपके मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे. मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द रिवाइज सोवरेन रेटिंग फॉर इंडिया इन द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द फिच रेटिंग. तो फिच रेटिंग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत की संप्रभु रेटिंग क्या कर दी है, ये आपको बताना है. आपके सामने 5 ऑप्शन है, BB-, BBB+, BBB3, BBB-, BBB+. व्हाट इज द आंसर, क्या इसका आंसर होगा, ये आपको बताना है. 5 ऑप्शन हमारे पास है. तो गाइज अगर मैं बात करूंगा आपको तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर BBB- होगा. देखो तो BBB- की बात करें तो फिच ने BBB- बोला है, लेकिन स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भी BBB- बोला है. तो ये भी आपको लर्न करना है. इसके अलावा अगर BBB3 की बात करें तो ये किसने बोला है, ये बोला है मूडीज ने. तो मूडीज का क्या है, तो मूडीज का आप याद कर लेंगे गाइस, मूडीज का BBB3 है. पहले BBB2 था जिसको BBB3 अभी हाल ही में मूडीज ने किया है. तो मूडीज का BBB3 है. BBB- किसका है, फिच का भी है और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का भी है. तो कंफ्यूज आपको नहीं होना, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का BBB-, फिच का BBB-, लेकिन मूडीज का BBB3 है. तो ये आपको लर्न करना है, ठीक है. चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वोल्कान बोस्कर, इनको प्रेसिडेंट चुना गया है 75th एडिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जो कि सितंबर में शुरू हो रहा है ये सेशन. ही इज फ्रॉम विच कंट्री, ये किस देश से है, ये आपसे पूछा गया है. यूक्रेन, इस्टोनिया, टर्की, रशिया, साउथ कोरिया, आपको इसका सही आंसर देना है. अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है, यूक्रेन की कैपिटल कीव है, कीव है. और करेंसी की बात करें तो करेंसी यहां की क्या है, करेंसी भी यहां की देख लीजिएगा, हर बीना है, ठीक है. इस्टोनिया की बात कर ले, इस्टोनिया की कैपिटल क्या है, इस्टोनिया की कैपिटल टैलिन है और करेंसी यूरो है. टर्की मैंने कल आपको पढ़ा दिया था, टर्की करेंसी लीरा हो गई. और कैपिटल की बात करें तो अंकारा हो गई, तो कल आपको ये मैंने पढ़ाया ही है, ठीक है. और रशिया तो रूबल हो गया, और ये हुआ आप रूबल करेंसी यहाँ की, मॉस्को कैपिटल आपको पता ही है. और साउथ कोरिया की बात कर ले तो प्योंगयांग एंड वोन, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां पे देखो, यहां पे कंप्यूटर जी ने टर्की बोल दिया है, तो इसका आंसर टर्की होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, व्हेन इज द सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हम कब मनाते हैं, ये आपसे पूछा गया है. तो गाइस डेज मैंने आपको कई बार रिविजन करा दिए हैं, आपको डेज पूरे याद होंगे. सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को ऑब्जर्व करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है. ये भी देख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन. लास्ट टाइम भी इंडिया 2011-12 में नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया था, ठीक. इंडिया कितनी बार, ये कौन सा टर्म है इंडिया का एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, कल मैंने अपने सीए में आपको ये बताया हुआ था गाइस, कल मैंने अपने सीए में आपको ये बताया हुआ था. और इंडिया का ये 8वां टर्म है, आपको बताया, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, ठीक है. ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज प्रोजेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट विच परसेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ये आपसे पूछा गया.
और आपको इसका आंसर देना है. वी हैव फोर ऑप्शन. तो अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करें गाइस, तो -5 -4 -6 क्या इसका आंसर होगा. एक बात और, अभी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का डेटा आया है और उसने 2019-20 के लिए भारत की ग्रोथ रेट 4.2% बोली है, माइनस नहीं. ये 1920 के लिए मैं बोल रहा हूं, इसे भी आप याद कर लीजिए बिकॉज एनएसओ का डेटा एग्जाम में हमेशा आता है. 2019-20 के लिए 4.2% इन्होंने एक्यूरेट किया है अपना ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन. अगर आंसर की बात करें तो आंसर -4% है. तो अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक -4% इंडिया ग्रो करेगा, ठीक है. और अगर मैं आपको बात करूंगा इस स्टैंडर्ड एंड पुअर के हिसाब से -5%, ये भी आपको याद रखना है, ठीक. और मूडीज की बात करें, मूडीज ने भी -4% ही बोला हुआ है, ये भी याद कर लीजिएगा. और अगर हम बात करते हैं फिच की, तो फिच का भी -5% है. तो फिच का -5%, S&P का -5%, ADB का -4% एंड मूडीज का -4%, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है. और एशियन और NSO का डेटा अभी आया है, तो NSO ने 4.2% बोला है, 2019-20 का है, याद रखिएगा, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेम द इंडियन कंपनी विच हैव फीचर्ड इन द 2020 टेक्नोलॉजी पाइनियर लिस्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दो इंडियन कंपनी को अपने टेक्नोलॉजी पाइनियर लिस्ट में शामिल किया. वो दो कंपनी कौन है, तो मैंने आपको ये पढ़ाया था वो दो कंपनी कौन होने वाली. गुड मॉर्निंग. वो दो कंपनी कौन सी होने वाली है, तो दो कंपनी होने वाली है जस्ट मनी एंड द स्टेपल्स. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. आपको ये पक्का याद होगा मेरे ख्याल से, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, विच टीम हैज वन द 2019-20 कोपा इटालिया फुटबॉल टूर्नामेंट. तो किस टीम ने 2019-20 का कोपा इटालिया फुटबॉल टूर्नामेंट जीता, ये आपसे पूछा गया है. वो दो टीम कौन सी जिसने खेला फाइनल, तो एक ये टीम थी और एक ये टीम थी, नापोली और जुवेंटस, जिसमें 4-2 से नापोली ने जुवेंटस को हरा दिया है. तो आंसर क्या होगा, नापोली. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. 4-2 स्कोर था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं. विच स्टेट ऑब्जर्व द मास्क डे ऑन 18th जून. तो 18 जून को कौन सा स्टेट मास्क डे के रूप में मनाया, ये आपसे पूछा गया है. केरला की बात करें, क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, केरला ने अपने स्टेट में गरीबों के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की बात बोली है, K-फोन स्कीम के अंतर्गत. इस K-फोन का अमाउंट राशि कितना है, पहला क्वेश्चन ये दीजिएगा. राजस्थान ने रिसेंटली अपने माइग्रेंट वर्कर के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, एक जॉब पोर्टल, उस पोर्टल का नाम आपको बताना है. उत्तर प्रदेश ने अपने सभी 75 डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मशीन की बात बोली है कि इस मशीन को हम लगाएंगे, उस मशीन का आपको नाम बताना है, ठीक. और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर कर्नाटका हो गया. चलिए तो आइए इन सबके आंसर एक साथ देते हैं. तो अगर केफोन की बात करें, तो केफोन की कैपिटल 1500 करोड़ रुपए है, ये आपको लर्न करना है. राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान ने राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया है. राज कौशल पोर्टल आपको मैंने ये पढ़ाया है, राज कौशल पोर्टल, ये भी आपने पढ़ा है. उत्तर प्रदेश की बात करें गाइस, तो उत्तर प्रदेश ने ट्रूनेट मशीन ट्रूनेट मशीन के लिए बोला है अपने 75 डिस्ट्रिक्ट में, और कर्नाटक आपको याद ही है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट. तो शिखरियार मामे दिरो हैज वॉन द वर्ल्ड स्टार शारजा ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप 2020. ही इज फ्रॉम विच कंट्री, ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं. तो शिखरियार मामे दिरो ने विश्व स्टार शारजा ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप जीती है, ठीक है. वो किस देश से बिलोंग करते हैं, ये आपसे पूछा गया है. तो इस चेस चैंपियनशिप की अगर बात करेंगे, तो उसकी प्राइज मनी $10,000 थी, और अच्छी बात क्या है गाइस, इंडिया के है पेंटला हरिकृष्णन, ये सेकंड प्लेस पर थे. और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं अजरबैजान से. कल मैंने आपको अजरबैजान की कैपिटल और करेंसी दोनों समझाई थी, मेरे ख्याल से आपको याद होगा. जरा मन में सोचिए और फिर कमेंट करिए यहां पे क्या होगा, ठीक है. सुनब न्यू क्वेश्चन है बेटा, तो उसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं ना बेटा. अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमसे स्किप कर जाती हैं, हाँ, लेकिन इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको सारा क्वेश्चन कवर कर रहा हूं, है ना बेटा. तो कुछ चीजें एमसीक्यूज में आपको कवर कराई जाती हैं, इतना ही पढ़ना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है. बाकू मरत अरविंद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. टू विच कंट्री इंडिया विल सेंड अ 75 मेंबर ट्राई सर्विस कॉन्टिजेंट इन 75th वर्ल्ड वॉर सेकेंड विक्ट्री परेड. तो रशिया ने जब जर्मनी के ऊपर विजय पाई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसको रिमार्क करने के लिए, उसको याद करने के लिए हर साल जश्न मनाया जाता है, और इस बार 75th एडिशन है उस जश्न की, वर्ल्ड वॉर सेकेंड विक्ट्री की, ठीक. तो इंडिया भी अपने 70 मेंबर ट्राई सर्विस, मतलब कि एयरफोर्स, आर्मी और आपका नेवी, तीनों के 75 ट्रूप्स जाएंगे इस परेड में. चाइना भी भेज रहा है अपने, ठीक.
तो आपको इसका आंसर देना है रशिया। मैं हालांकि मेरे मुंह से निकल चुका है इसका आंसर रशिया, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, रशिया हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज पार्टनर विद द करूर वैश्य बैंक फॉर द सिंपल एंड द फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम। मैंने आपको ये पढ़ाया है कि कौन सी कंपनी ने करूर वैश्य बैंक से एग्रीमेंट किया है, और करूर वैश्य बैंक अगर आप अगर कस्टमर इस कंपनी की ऑटोमोबाइल परचेस करता है तो वो लोन देगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मारुति सुजुकी, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन गाइस एक बार याद करिए, अगर मैं इसको हीरो मोटर्स बोल दूं, हीरो मोटर्स, तो हीरो मोटर्स ने अभी अपना ई शॉप पोर्टल लॉन्च किया था, उस ई शॉप पोर्टल का नाम आपको बताना है, क्या इसका नाम है? टाटा मोटर्स की बात करें गाइस, तो टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स और साथ ही साथ एक कंपनी और है, जयम ऑटोमोबाइल, जयम ऑटोमोबाइल, इनका एक ज्वाइंट वेंचर था जिसमें 50% शेयर टाटा मोटर्स के थे और 50% जयम के थे। लेकिन अभी रिसेंटली टाटा मोटर्स ने जयम के शेयर परचेस कर लिए, उस कंपनी का नाम बताइए, जॉइंट वेंचर कंपनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो हीरो मोटर कॉर्प ने जो ई शॉप लॉन्च किया है उसका नाम ही है ई शॉप, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा ये भी। तो हीरो मोटर कॉर्प ने ई शॉप नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था जिसके थ्रू आप हीरो मोटर्स के प्रोडक्ट को, मतलब उनके बाइक्स को ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। और रही टाटा मोटर्स की बात गाइस, तो इस कंपनी का नाम क्या था? तो इस कंपनी का नाम मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं, इसका नाम था जेटी, जेटी स्पेशल, जेटी स्पेशल, ठीक, व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड, व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, जेटी स्पेशल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड नाम था, जिसमें 50% शेयर टाटा मोटर्स के थे और 50 जयम ऑटोमोबाइल के थे, ठीक, ये भी याद कर लीजिएगा। ये सब भी नई चीज, मतलब नई चीज नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया है सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको सही देना है। उर्जित पटेल, राहुल श्रीवास्तव, अनिल वलूरी, बीके मंजूनाथ और अरुण सिंगल, क्या इसका आंसर होने वाला है? देख लीजिए यहां पे आप, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर उर्जित पटेल है, ऑप्शन नंबर ए। तो उर्जित पटेल को अभी चेयरमैन अपॉइंट किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड द पॉलिसी की। साथ ही साथ गाइस, हु इज राहुल श्रीवास्तव, राहुल श्रीवास्तव कौन है? तो राहुल श्रीवास्तव जो है ये इंडिया के एम्बेसडर बने हैं रोमानिया में, तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो उर्जित पटेल तो ये बन गए हैं चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड द पॉलिसी, राहुल श्रीवास्तव इंडिया के अम्बेसडर रोमानिया में बने हैं। अनिल वल्लूरी की बात करें गाइस, तो ये सीनियर डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं गूगल क्लाउड इंडिया में, गूगल इंडिया में, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। बीके मंजूनाथ की बात करें गाइस, तो ये क्या बने हैं? ये बने हैं अरुण सिंगल, देख लो ये इनका देख लो। अरुण सिंगल क्या बने हैं? तो ये बने हैं सीईओ, ये नए सीईओ बने हैं FSSAI के, ये भी पढ़ाया गया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री हैंड ओवर फर्स्ट शिपमेंट ऑफ द हैंडेड वेंटिलेटर्स टू इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी। इसमें से कौन से देश ने भारत की रेडक्रॉस सोसाइटी को 100 वेंटिलेटर गिफ्ट किया है, इसका आंसर आपको देना है। इस हैंडेड वेंटिलेटर की टोटल कॉस्ट कितनी है? $1.2 मिलियन, $1.2 मिलियन कॉस्ट है इसकी। और ये कंट्री कौन सा? ये कंट्री है आपका यूएसए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो यूएसए हमारा सही आंसर है, यूएसए हमारा सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइस अभी इंडिया और चाइना के बीच में आपको बताया कि जो ट्रूप्स थे, 15 जून को एक खूनी संघर्ष हुआ दोनों ट्रूप के बीच में, जिसमें हमारे करीब 20 सैनिक शहीद हुए और चाइना की तरफ से 43 सैनिक मारे गए। तो आपको बताना है कि ये जो मतलब मुठभेड़ हुई वो किस घाटी में हुई लद्दाख के, ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है। हाँ, बीके मंजूनाथ की बात करें तो बीके मंजूनाथ जो है ये नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं लक्ष्मी विलास बैंक के। हाँ, मुझे याद आ गया, नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने लक्ष्मी विलास बैंक के मंजूनाथ जी, ठीक। फिलहाल आइए आंसर की बात कर ले, तो आंसर इज गलवान वैली, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गलवान वैली ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो चाइना की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी साइंड एमओयू विथ विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट $1 बिलियन इन द स्टेट। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, आंसर बताइए। चाइना की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी है वो इंडिया किस स्टेट में $1 बिलियन का निवेश करने वाली है? वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज योर आंसर, क्या आंसर होने वाला है?
और इसका आंसर महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो गाइस अच्छा एक क्वेश्चन और भी हमारे पास, द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रिकमेंडेड विच फॉर्मर इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन फॉर पद्मश्री अवार्ड, हमारे देश का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, तो किसको ये मिलेगा अवार्ड, ये आपसे पूछा गया, आंसर आपको देना है व्हाट इज द आंसर। और गाइस अगर आंसर की बात करें, आंसर की बात करें तो आंसर इज आई एम विजयन, ऑप्शन नंबर सी, आई एम विजयन ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन, इंडियन रेलवे सेंट्रल रेलवे जोन हैज इंस्टॉल एन ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन, इसे शॉर्ट में आप आत्मा बोलते हो, आत्मा, ये मशीन जो है अपनी तरह की पहली मशीन, ये किस स्टेशन पे लगाई गई है, इंडियन रेलवे सेंट्रल रेलवे जोन। तो सेंट्रल रेलवे जोन का मतलब क्या होगा, इस या तो मुंबई होगा, या तो पुणे होगा, या तो नागपुर महाराष्ट्र उस साइड होगा। तो ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन आत्मा, ये कहां पे लगाई गई है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये नागपुर में। हाँ स्वाति बिल्कुल सही, ये नागपुर में लगाई गई है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए तो गाइस आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने अभी यूनिसेफ के साथ एग्रीमेंट किया है कि ये निमोनिया की वैक्सीन जो है ये जो छोटे देश हैं उनको सप्लाई करेगी। तो आपसे पूछा गया कि वो वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, वैक्सीन का नाम क्या होगा, ये आपको पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है। कल मैंने आपको ये पढ़ाया था, तो देख लीजिए वी है फोर ऑप्शन और इसका आंसर क्या होगा, निमो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये मैंने कल पढ़ाया था आपको, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए तो अब हम बढ़ेंगे अपने आगे और बात करेंगे अपने मोटिवेशनल कोच के साथ, और यहां पर हमारा मोटिवेशनल कोच हमसे क्या कहता है, देखिए मेरी बात समझिएगा। अगर मैं बात करूं तो मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है, और मूवीज की बात करें तो मैं जब भी कोई मूवी देखता हूं तो उसकी कहानी मुझे लंबे समय से याद हो जाती है, क्योंकि मुझे पसंद है। बाहुबली का पूरा पूरा डायलॉग मुझसे आप पूछ सकते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है। बात यह बोली गई है कि द वनली वे टू द ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू, If you have not found it yet, keep looking for it, don't settle. तो कहने का मतलब गाइस, आप लोग भी जानते हो कि आपको कोई चीज लंबे समय तक याद तभी रहती है जब आपको उसमें इंटरेस्ट होता है। अब यहां पर याद का मतलब क्या है, यहां पर याद का मतलब योर एफर्ट। अगर आपके स्पीड टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपको पढ़ने में मन लग रहा है, अगर आप क्वांट बहुत अच्छे से बना लेते हो, रीजनिंग बड़े अच्छे से बना लेते हो, जीए याद कर लेते हो, या इंग्लिश आपको समझ में आती है, तो उसका मतलब आपको इंटरेस्ट है। आपको इंटरेस्ट केवल सब्जेक्ट में नहीं है, आपको इंटरेस्ट आप जिस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी है। अगर आप रेलवे में जाना चाहते ही नहीं हो लेकिन आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको एसएससी में जाना ही नहीं है लेकिन आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको बैंक में जाना ही नहीं है, आपको कोई मतलब ही नहीं यार कि पीओ क्या होता है, रेलवे ड्राइवर का काम क्या होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर का वर्क क्या होता है, आपको उससे प्यार नहीं है ना, तो आपके एफर्ट में उसका रिजल्ट दिखेगा, ये जरूर दिखना है, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं। तो मेरे हिसाब से गाइस, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस पोस्ट की, उस एग्जाम की इज्जत करनी पड़ेगी, आपको दिल से प्यार करना पड़ेगा, आपको उसके लिए जज्बात आपके अंदर होने चाहिए पॉजिटिव सेंस में, है ना। तो अगर वो नहीं है तो आपके रिजल्ट में फर्क तो पड़ना ही पड़ना है। हाँ एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके सारे फ्रेंड्स, सारे दोस्त, सखी सहेलियां सेलेक्ट हो जाएंगी, तब आपको लगेगा कि यार अभी तो हमें भी सिलेक्ट होना है, तो आपको टाइम लगेगा उसमें, आप सिलेक्शन ले लोगे अगर आप रॉकस्टार हो तो, लेकिन टाइम लगेगा। तो गाइस अगर अभी तक आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, तो प्लीज इंटरेस्ट लीजिए। कभी भी अगर डाउन फील करिए, डीमोटिवेट रहिए ना, तो आप अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार वहां पे जाके घूम लो, वहां के एम्प्लॉई से मिल लो। यही सेम का केस एसएससी और रेलवे में भी आपको करना चाहिए, इससे आपके अंदर मोटिवेशन आता है, आपको प्यार करना पड़ेगा अपनी पोस्ट से, अपने एग्जाम से, और आपको अपने आप से, अपने ऊपर बिलीव के साथ। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो जहां जहां आपका प्यार, मतलब मैं पढ़ाई के सेंस में बोल रहा हूं, जहां आपका प्यार है, आपका डिवोशन है, वहां पर रिजल्ट बेटर हमेशा मिलते हैं, और जहां आपका प्यार नहीं, आपका डिवोशन नहीं है, वहां पर रिजल्ट हमेशा बाद में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो प्लीज प्यार करना शुरू करिए अपने करियर के साथ, अपने गोल के साथ। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अब न्यूज की, और सबसे पहले हम बात करेंगे रिपोर्ट और इंडिसेस की। हालांकि हमारे पास आज एक ही न्यूज है, तो 69th एडिशन ऑफ द बीपी स्टेटिस्टिकल रिव्यू 2020 लॉन्च हो चुका है। तो बीपी स्टेटिस्टिकल रिव्यू का मतलब गाइस, कौन सा देश कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, कौन सा देश कितना बड़ा एनर्जी का मार्केट है, उस पर डेटा ये पब्लिश होता है बीपी स्टेटिस्टिकल रिव्यू में, और इंडिया को दूसरी पोजीशन मिली है आफ्टर चाइना, ये देख लीजिए आप लोग। तो अकॉर्डिंग टू द 69th एडिशन ऑफ द स्टेटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2020 रिपोर्ट,
अब ये स्टेटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2020, ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? तो यूके की एक ऑयल एंड गैस कंपनी है BP PLC, तो ये रिलीज करती है। और इसके हिसाब से इंडिया जो है सेकेंड मेजर मार्केट है आफ्टर चाइना टू इंक्रीज प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन इन द ईयर 2019। तो 2019 में प्राइमरी कंजम्पशन के मामले में इंडिया जो है चाइना के बाद दूसरे नंबर का देश बन चुका है। और ये किसने बोला है? ये बोला है BP PLC नाम की कंपनी ने, जो यूके की कंपनी है। इसने अभी अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, 69th एडिशन ऑफ द स्टेटिस्टिकल रिव्यू ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी 2020। आप बोलेंगे सर बात तो क्लियर हो गई कि 69वां एडिशन है इस रिपोर्ट का, रिपोर्ट का नाम है स्टेटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2020, वो तो ठीक है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी एनर्जी? ये प्राइमरी एनर्जी का मतलब क्या होता है उसके बारे में हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी एनर्जी। तो गाइस, प्राइमरी एनर्जी का मतलब होता है कंजम्पशन कम अंडर टोटल एनर्जी कंजम्पशन। प्राइमरी एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी, मतलब जस्ट लाइक ऑयल की बात कर लें आप, नेचुरल गैस की बात कर लें, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन, रिन्यूएबल, हाइड्रो, न्यूक्लियर एनर्जी, हर तरह की एनर्जी को हम प्राइमरी एनर्जी ही बोलते हैं, सिनोनिम है। तो प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन के मामले में इंडिया दूसरे नंबर का देश बन गया है, पहले पे कौन है? चाइना। और ये बात 2019 की है। ये बात किस रिपोर्ट में बोली गई है? तो ये बात बोली गई है 69th एडिशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो BP PLC, यूके बेस्ड ऑयल एंड गैस कंपनी। ये पूरी न्यूज मैंने आपको बता दी, पूरे पॉइंट जो मैंने बार बार हाईलाइट किए वही आपको पढ़ना है, वही आपके एग्जाम में काम आने वाली चीज है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हमने आपको बता दी, आगे बढ़ेंगे गाइस, और अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट और रिजाइन की। तो किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इसके पहले जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उन्होंने रिजाइन दिया। और उसके बाद किर्गिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं, इनका नाम है कुबाटबेक बोरोनो। कैसे याद करें? तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि किर्गिस्तान जल गया, बिकॉज जलने का मतलब उसके ऊपर घाव लग गए, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर पर ही क्या हुआ, एक आरोप लग गया। तो उसके बाद जलने पर हम क्या करते हैं, हम बोरो प्लस लगाते हैं। तो बोरो प्लस कहानी बनाओ, याद हो जाएगा ना। देखो, नाम तुम नहीं, दुनिया कोई भी इंसान करेक्ट नाम याद नहीं रख सकता है। वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कैसे याद करें? तो कहानी बना के आपको याद करना पड़ेगा, बोरो प्लस बोरोनो याद कर लेंगे, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करें, कुबाटबेक बोरोनो वॉज अपॉइंटेड एज द किर्गिस्तान न्यू प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है कि इसके पहले मुखमलदकली अबिलगाजेव, मुख याद है ना, कल मैंने कुछ ट्रिक बताई थी, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया था एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किर्गिस्तान। तो उनकी जगह पे ये बोरोनोव जी को अपॉइंटमेंट मिला है, याद कर लेंगे, आराम से लर्न हो जाएगा, आराम से लर्न हो जाएगा। और अगर बोरो प्लस अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए यार। 1000 लाइक मैं हमेशा बोलता, मुझे मिलता नहीं है, तुम लोग गलत करते हो मेरे, हमेशा जितने लोग देख रहे हो उतने लोग लाइक करोगे तो आराम से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे गाइस, और अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट में, न्यूज नंबर 2 की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है री अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रकाश चंद्र एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द RBL बैंक। तो RBI ने RBL बैंक के गैर निष्पादित अध्यक्ष के रूप में प्रकाश चंद्र की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। प्रकाश चंद्र याद करना है आपको, देख लीजिए यहां पर, देखिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रकाश चंद्र का अपॉइंटमेंट स्वीकार कर लिया है। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे ऑफ द RBL बैंक, और अब ये July 23, 2021 तक रहेंगे। तो प्रकाश चंद्र नाम याद रखना है, RBL बैंक की बात हो रही है, और ये क्या बन गए हैं, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेंगे 2021 तक। आपको आराम से लर्न कर लेना है, ठीक है। संध्या बोल रही है लाइक तो करते हैं सर, बिल्कुल करिए बेटा संध्या, मतलब अच्छी बात होती है लाइक वाइक करना, ठीक है। आगे बढ़े गाइस, और अब बात करते हैं अपने अपॉइंटमेंट की, नेक्स्ट न्यूज की, और यहां पर हम बात करेंगे गाइस BCCI के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली जी की और इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन सुनील छेत्री जी की। इन दोनों को JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो JSW सीमेंट साइन सौरभ गांगुली एंड सुनील छेत्री एज द ब्रांड एम्बेसडर। आइए बात करते हैं पूरे न्यूज की। तो JSW सीमेंट ने सौरभ गांगुली, कौन है भाई ये? तो ये प्रेसिडेंट है BCCI के, और सुनील छेत्री कौन है? ये तो इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन है। इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है JSW सीमेंट ने। अभी अपना कैंपेन इनका है एग्जैक्टली में लीडर्स चॉइस, ये इनका कैंपेन है इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। तो वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा में JSW सीमेंट अपना एक कैंपेन लॉन्च कर रही है लीडर चॉइस, उसके लिए सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। आई होप कि आपको याद रहेगा
लीडर्स चॉइस याद करिएगा तुम लोगों, बेटा ऑफिसर्स चॉइस याद होगा, प्रोफेसर है कि नहीं, तो ऑफिसर्स चॉइस भूल जाओ अभी और लीडर चॉइस याद कर लो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं कैथोलिक सीरियन बैंक की। तो कैथोलिक सीरियन बैंक ने प्रलय मंडल पहले एक्सिस बैंक में थे, तो प्रलय मंडल को अपना प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। तो सीबीएस बैंक की बात करें तो कैथोलिक सीरियन बैंक हमारे सामने है, देख लीजिए यहां पे। तो कैथोलिक सीरियन बैंक हैज अनाउंस्ड दैट इट इज इट्स बोर्ड हैज अपॉइंटेड प्रलय मंडल एज द ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट, ठीक है। तो सीबीएस बैंक ने घोषणा की है कि उनके बोर्ड ने प्रलय मंडल को अपना अध्यक्ष अपॉइंट किया है, तो यह भी आपको लर्न करना है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे अब इंटरनेशनल अफेयर्स की। तो रिपोर्ट और इंडिसेस हमने कंप्लीट कर लिया, अपॉइंटमेंट हमने कंप्लीट कर लिया, अब इंटरनेशनल न्यूज की बात करेंगे। और सऊदी ऑयल कंपनी जो अरमाको है, अरमाको आपको बताई है, अरमाको 5 लाख डॉलर डोनेट कर रही है इंडिया को, इंडिया के रेड क्रॉस सोसाइटी को फॉर द कोविड-19 रिलीफ। तो सऊदी तेल कंपनी अरमाको भारत की जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसको 5 लाख अमेरिकी डॉलर दान कर रही है, ग्रांट दे रही है कोविड-19 से लड़ने के लिए। आइए आपको पूरी न्यूज यहां पे दिखाते हैं, विकास पांडे बहुत मार खाओगे। चलो देखो यहां पे, तो सऊदी नेशनल ऑयल कंपनी अरमाको, तो ये सऊदी अरेबिया की सरकारी कंपनी है, तो ये 3.8 करोड़ रुपीज बोल लीजिए या फिर 5 लाख डॉलर बोल लीजिए, तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को इसने दान दिया है कोविड-19 से प्रॉपर लड़ाई करने के लिए। तो एक पॉइंट ये आपको ध्यान देना है, अमाउंट 3.8 करोड़ बोल लीजिए या 5 लाख डॉलर बोल लीजिए, आपके सामने पूरी न्यूज है। अरमाको याद रखिएगा, अरमाको याद रखिएगा, याद हो जाएगा आराम से। आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फ्रांस कमिट 200 मिलियन यूरो फॉर इंडिया कोविड-19 रिस्पॉन्स। तो फ्रांस ने भी उधर 200 मिलियन यूरो दान करने की बात बोली है इंडिया को फॉर द कोविड-19 फाइट, फ्रांस, ठीक है देख लीजिए। फ्रांस और इंडिया इन्होंने आपस में एग्रीमेंट साइन किया है, फ्रांस जो है वो 200 मिलियन यूरो की हेल्प करेगा दिल्ली कोविड रिस्पॉन्स। तो एग्जैक्टली में हमारे देश में एक हो गया महाराष्ट्र और एक हो गया दिल्ली, जो दो स्टेट और यूटी काफी ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। तो दिल्ली दिल्ली में जो कोविड-19 से लड़ने के लिए जो भी इनिशिएटिव दिल्ली गवर्नमेंट ले रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, उसमें गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए 200 मिलियन यूरो की हेल्प करेगा फ्रांस। तो एक पॉइंट ये आपके सामने है, ये भी आपको लर्न करना, ठीक ठीक है। ये सब भावनाओं को समझने वाली बात है, तो भावनाओं को समझने दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं नेशनल अफेयर्स में न्यूज नंबर 1 की। हालांकि ये न्यूज देने में थोड़ा लेट हो गया हूं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू कवर ऑल द न्यूज। लार्जेस्ट कोविड-19 फैसिलिटी इन दिल्ली, दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 फैसिलिटी जो है वो दिल्ली में लॉन्च हो रहा है। आइए आपको न्यूज दिखाते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को कोविड-19 केयर फैसिलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। और ये राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर जो है ये 22 फुटबॉल फील्ड के बराबर है, इतनी जगह इसमें। द सेंटर विल बी द लार्जेस्ट कोविड-19 फैसिलिटी इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में ये सबसे बड़ा फैसिलिटी हो कोविड-19 के लिए, राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर, नाम आपको याद रखना है। इसमें 200 हॉल बनाए जा रहे हैं विद 10,000 बेड, 200 हॉल विद 10,000 बेड कैपेसिटी होने वाली है, दुनिया का सबसे बड़ा ये कोविड-19 हेल्थ केयर सेंटर होगा, याद करना जरूरी है क्योंकि सबसे बड़ा ये होने वाला है। 257 लोग लाइव देख रहे हैं, अभी तक हमने 300 लाइव का टारगेट पूरा नहीं किया, तो गाइज करना है इसे आज, देखते हैं होता कि नहीं होता है। एक बार पूरे तन मन धन से आप लोग ये सेशन को शेयर कर दीजिए, धन नहीं लगाना है आपको, धन नहीं लगाना है, केवल आप मतलब अपने उंगलियों का यूज करिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नेशनल अफेयर्स में एक पॉइंट हमने आपको ये दी, अब दूसरे न्यूज की बात करते हैं। तो लोग कह रहे हैं, मतलब मैंने कल देखा तो बीबीसी न्यूज की बात की मैंने, बहुत सारे मैंने इंटरनेशनल न्यूज मैं देखता हूं, मुझे इंग्लिश आती है, तो लोग ने बोला कि इंडिया बोल रहा है कि 1962 का इंडिया नहीं, तो 1962 का चाइना भी नहीं है, लोग ऐसा बोल रहे थे, जो भी कम्युनिस्ट टाइप के लोग होते हैं ना, वो लोग चाइना को सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि वाकई में इंडिया 1962 का इंडिया नहीं है, इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है और प्रॉपर हमारे पास इतनी पावर है कि हम चाइना को आंख भी दिखा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर समझ गया ना। चलो, तो इंडियन रेलवे ने चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस।
अब ये चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट क्या था उसके बारे में आपको हम बात करें गाइस। तो आपको पता है गाइस कि इंडिया में जो भी बिजी ट्रैक है रेलवे के, वहां पर फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। फ्रेट कॉरिडोर का मतलब क्या होता है गाइस, आप लोग भी रेलवे से चलते होंगे, आपने देखा होगा कि अभी हमारे देश में जो रेलवे ट्रैक होते हैं उस पर हमारी फ्रेट ट्रेन भी चलती है और पैसेंजर भी चलती है, जिससे हमारी ट्रेन लॉस मतलब लेट हो जाती है। तो अब क्या होगा कि अब जो फ्रेट ट्रेन है उनके लिए अलग से लाइन बिछाई जा रही है, इन्हें क्या बोल रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर बोल रहे हैं। आइए मैं न्यूज़ दिखाता हूं पूरी, देखें यहां पे। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक प्रॉपर कंपनी ही बना दी गई है इसके लिए, हैज डिसाइडेड टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप लिमिटेड। तो पहले तो कंपनी का नाम क्या है ये देख लो, ये कंपनी का नाम है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ये रेलवे की एक सब्सिडियरी है, इसने इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया वो देखिए, देखिए द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड ड्यू टू द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी की पुअर परफॉर्मेंस देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया हुआ है। अब देखो इन 2016 द चाइनीज कंपनी हैड वॉन द कॉन्ट्रैक्ट। 2016 में चाइनीज कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता था इन ओवर 400 किलोमीटर ऑफ रेल लाइंस ऑफ कानपुर टू दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। तो कानपुर टू दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, कानपुर टू इलाहाबाद टू मिर्जापुर टू दीनदयाल उपाध्याय, ये मेरा ही वो है, हमारा ही एरिया है ये, ठीक है। तो यहां पर 400 किलोमीटर में इस कंपनी को सिग्नल्स लगाने थे, लेकिन इस कंपनी ने चार साल में केवल 20% काम ही पूरा किया था, तो इसलिए इंडियन रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। लेकिन अंदर की बात आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेशनल अफेयर्स में। न्यूज नंबर 3 की बात करेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक प्रॉपर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल एस्टैब्लिश किया है फॉर इन्वेस्टमेंट इन द ग्रीन एनर्जी सेक्टर। तो गाइस इस न्यूज को समझिएगा, ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर का मतलब क्या होता है, तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी लाइक विंड पावर, सोलर पावर, ठीक। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने प्रॉपर एक यूनिट सेट किया है, एक बोर्ड सेट किया है, जो कि इंडिया में ग्रीन एनर्जी के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाला है। मतलब फॉरेन कंपनी जो इंडिया में ग्रीन एनर्जी में निवेश करना चाहती है उनसे डील करेगा। आइए आपको पूरी न्यूज देते हैं, ये देखिए आप, देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज सेट अप अ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल। गाइस इसका मतलब समझ रहे ना, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल का मतलब आप कह सकते हो प्रॉपर एक डिपार्टमेंट, और इसको लीड कौन करेंगे, इसको लीड करेंगे हमारे देश के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमितेश कुमार सिन्हा, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द क्लीन एनर्जी स्पेशली इन द सोलर सेक्टर। तो हमारे देश में अगर कोई कंपनी डोमेस्टिक हो या फॉरेन की हो, अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करती है, तो उस निवेश को इजी बनाने के लिए अब ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल काम करेगा। इसको लीड करेंगे अमितेश कुमार सिन्हा जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो सेल होगा विल हेल्प द मीट द सेंटर्स 175 गीगावाट टारगेट ऑफ द ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी बाय 2022। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट रखा था 175 गीगावाट, इसको मीट करना है तो इस सेल को काम अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये भी गाइस आपको लर्न करना। चलिए तो ये न्यूज हमने आपको दे दी, आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमी की। तो ब्रिटिश पेट्रोलियम की बात करें, टू सेटअप ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर इन पुणे। तो ब्रिटिश पेट्रोलियम इंडिया में पुणे में अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर ओपन करने वाला है। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट, अपकमिंग बिगेस्ट मार्केट, ये पूरी तरह से प्रूव हो चुका है। देखिए तो यूके की कंपनी है ब्रिटिश पेट्रोलियम, ये अपना एक ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर कहां पर ओपन कर रही है, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे हल्के मत लीजिएगा, और ये अपना ऑपरेशन जनवरी से स्टार्ट भी कर देगी। ये बड़ी न्यूज है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आपको लर्न करना ही करना है। अगर आगे बढ़ेगा इस, तो बात करते हैं अपने न्यूज नंबर 2 की। हमारे देश का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, टू कंप्लीटली डिजिटाइज इज लैंडिंग ऑपरेशन। अगर आपको भी बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेना है तो चिंता ना करें, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, आप बॉब के वेबसाइट से या एप्लीकेशन से सीधे लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक, पहला SBI, दूसरा PNB, तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए यहां पे तो इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसने अपना अपना जो लैंडिंग ऑपरेशन है कंप्लीटली डिजिटाइज कर दिया है, जिसमें आपको होम लोन, एग्रीकल्चर लोन, MSME लोन सब कुछ मिलेगा, पर्सनल लोन सब कुछ आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट आपके सामने ये है।
चलिए तो गाइज एक पॉइंट हमारा ये हो गया, आगे बढ़ते हैं डिफेंस यूज की बात करते हैं। तो चाइना का जो टेंशन हुआ बॉर्डर पर, तो इंडियन एयरफोर्स ने गवर्नमेंट से बोला है कि हमें 21 मिग 29 प्लेन चाहिए और 12 सुखोई फाइटर जेट चाहिए। तो ये बात इंडियन एयरफोर्स ने गवर्नमेंट से बोली है कि रशिया से हमें ये दोनों चीजें इतने इतने अमाउंट में चाहिए। आइए आपको पूरी न्यूज दिखाते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स हैज सबमिटेड अ प्रपोजल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्वायर 33 न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम रशिया। तो इंडियन एयरफोर्स ने रशिया से 33 नए फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए गवर्नमेंट से बोल दिया है। ठीक, एक पॉइंट। अब देखो ये टोटल प्रपोजल 6000 करोड़ रुपए का है, मतलब जो ये 33 न्यू फाइटर जेट अगर गवर्नमेंट खरीदती है तो गवर्नमेंट के 6000 करोड़ रुपीज खर्च होंगे। अब इस जो 33 न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट है इसमें 21 मिग 29 बाइसन जेट एयरक्राफ्ट होगा और 12 सुखोई 30 एमकेआई फाइटर प्लेन होने चाहिए। और ये क्यों होने चाहिए गाइस, क्योंकि आपने आपको बताया है कि अभी हाल ही में इंडिया के सुखोई विमान काफी ज्यादा एक्सीडेंट हो गया था इनका, तो वो हमारे पास कम है तो हमें ये परचेस करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट हमने आपको ये दे दिया। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे एक्स्ट्रा हाईलाइट में न्यूज नंबर वन की। रिलायंस, आपको पता है मुकेश अंबानी टॉप 10 अमीर में आ गए हैं, बधाई हो आप लोग को। मुकेश अंबानी पूरे ग्लोबल लेवल पर टॉप 10 अमीर में कल रात में ही आए। तो RIL बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी वैल्यूड एट द 150 बिलियन USD। तो रिलायंस कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसका टोटल वैल्यू $150 बिलियन हो चुका है। आइए पूरी न्यूज आपको दिखाते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की टोटल कैपिटल $150 बिलियन हो गई है और ये पहली इंडियन कंपनी है। साथ ही साथ रिलायंस द फर्स्ट एवर इंडियन कंपनी टू अचीव अ मार्केट वैल्यू ऑफ अबव 11 लाख करोड़ रुपीस। रुपीस की बात करें, अगर रुपीस की बात करें तो 11 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रिलायंस कंपनी की वैल्यू हो चुकी है। और अगर डॉलर की बात करें तो $150 बिलियन या फिर आप बोल सकते हो हाँ $150 बिलियन, ये आपको लर्न करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट न्यूज की बात करें। तो गाइज आपको PM स्वनिधि स्कीम के बारे में शायद पता है, जिसमें हम लोग स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का कैपिटल देंगे उन्हें काम करने के लिए। इसके लिए प्रॉपर 5,000 करोड़ रुपीस अलॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए हैं। तो ये स्वनिधि स्कीम जो है इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सिडबी के साथ एग्रीमेंट किया है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि सिडबी क्या होगी, सिडबी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी बन जाएगी PM स्वनिधि स्कीम की। मतलब देखिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज साइंड अ MOU विद सिडबी फॉर PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। तो ये स्कीम आपको पता है जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपीस का अमाउंट दिया जाएगा काम करने के लिए। ठीक है, देखिए यहां पे अकॉर्डिंग टू MOU PM स्वनिधि स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड बाई सिडबी अंडर द गाइडेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मतलब PM स्वनिधि जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट कौन करेगा, आप सिडबी करेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि PM स्वनिधि जो स्कीम है इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है, तो वो सिडबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद आपको करना है। आगे बढ़े नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे गाइस। तो ICICI बैंक ने 2,250 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए हैं इन ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी में। तो गाइस आपको पता है कि ICICI बैंक का एक अपना एक सब्सिडरी कंपनी है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो ICICI बैंक ने इसमें 2,250 करोड़ रुपए का शेयर बेच दिया है। आइए आपको पूरी न्यूज दिखाते हैं। तो ICICI बैंक ने करीब 1,80,00,000 इक्विटी शेयर बेच दिए जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी। किसमें? ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। देखो ये आपको नंबर ऑफ शेयर बताया गया कि कितने नंबर ऑफ शेयर बेचे गए, ये आपको नंबर ऑफ शेयर बताया गया, नंबर ऑफ शेयर बताया गया है। ठीक है, याद रखना। देखो तो ICICI बैंक का अब कितना स्टेक है, तो अब ICICI बैंक का ICICI लोम्बार्ड में शेयर बचा है 51.9%। तो अगर हम बात करें कि 2,250 करोड़ रुपए के शेयर बेचे अगर ICICI बैंक ने और 1,80,00,000 शेयर बेचे, तो ये परसेंटेज में कितने हैं, तो ये परसेंटेज में 3.96% है। ये दो, तो मतलब कि ICICI बैंक ने 3.96% शेयर बेचे हैं अपने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में और इसके बदले में ICICI बैंक को 2,250 करोड़ रुपए मिले।
तो ये आपको लर्न करना है, 2,250 करोड़ मिले ये आपको लर्न करना है, ठीक है। आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज में याद कर लो, अमाउंट याद कर लो और किस कंपनी में ये याद कर लो, काम आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अपने एमसीक्यूज की। तो मेरे क्वेश्चंस आपके आंसर इसको जरूर देखिए, मैंने आपसे बार बार बोला कि इसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू द 69th एडिशन ऑफ बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू, इंडिया रैंकिंग इन प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन इज, तो भारत कौन से नंबर पे, ये आपसे पूछा गया। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत दूसरे नंबर पे है आफ्टर चाइना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि एक मिनट, तो प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन में सेकंड नंबर पे है, और अगर बात करें कि टोटल एनर्जी कंजम्पशन में, देखो ये अब न्यूज मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूं, तो प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन में भारत दूसरे नंबर पे है और टोटल एनर्जी कंजम्पशन में भारत तीसरे नंबर पे है, ये भी याद रखिएगा। देखो देखो यहां पे, तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन में तीसरे नंबर पे है, ठीक, और प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन में दूसरे नंबर पे है, ये आप लोग ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। अकॉर्डिंग टू द 69th एडिशन ऑफ द बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू, टॉप पोजीशन एट द टोटल एनर्जी कंजम्पशन, टोटल एनर्जी कंजम्पशन पे टॉप पे कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन पे टॉप पे चाइना है और प्राइमरी में भी टॉप पे चाइना ही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एनर्जी, तो कौन सा, ये तो देखो इंडिया और चाइना हम लोग कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, ठीक। आपसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एनर्जी कौन है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एनर्जी चाइना ही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम हमको बताया बोरो प्लस कहीं, हाँ तो ये है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बात करें कुबट बेक बोरोनो की, तो ये अभी किर्गिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, ठीक, आफ्टर द रिजाइन ऑफ द, आपको बताइए मुकमदगली अबिल गाजीए, तो ये जो आपके कुबट बेक हैं ये क्या बने हैं देश के, तो ये क्या थे जो बने हैं प्राइम मिनिस्टर, ये आपसे पूछा गया, सिंपल सा पूछो ना भाई, ठीक है, ये क्या थे ये आपसे पूछा गया। तो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे जो कि अब बन गए हैं पीएम, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वेयर इज द कैपिटल ऑफ द किर्गिस्तान, तो हम लोग ये कल पढ़ चुके हैं, किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है, ऑप्शन नंबर डी, और अगर हम करेंसी की बात करेंगे तो करेंसी क्या है, सोम है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे बढ़े, द आरबीआई हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द विच पर्सन एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द आरबीएल बैंक, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द आरबीएल बैंक, ये आपसे पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश चंद्र, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, ठीक है। हु इज प्रेजेंट एमडी एंड द सीईओ ऑफ द आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक के प्रेजेंट एमडी सीईओ कौन, तो आरबीएल बैंक के प्रेजेंट एमडी सीईओ विश्व वैयर अहुजा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द आरबीएल बैंक लोकेटेड, तो आरबीएल का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द जेएसडब्ल्यू सीमेंट, तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, सौरभ गांगुली एज वेल एज सुनील छत्री, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द जेएसडब्ल्यू सीमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। Who is the present CEO of the JSW Cement? Present CEO कौन है? तो वो नीलेश नार्वेकर हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, हु इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड, आपको बताना है, वी हैव फाइव ऑप्शन, व्हाट इज योर आंसर, तो कौन बने हैं भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रलय मंडल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द कैथोलिक सीरियन बैंक, हेडक्वार्टर कहां पे है, तो ये साउथ में है, ऑप्शन नंबर ए त्रिशूर केरला, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, सऊदी नेशनल ऑयल अरमाको हैज डोनेटेड $5 लाख और 3.8 करोड़ रुपीज टू विच सोसाइटी टू सपोर्ट इट्स एफर्ट टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द COVID-19, एंड द आंसर इज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, वेयर इज द हेडक्वार्टर, आंसर इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सऊदी अरमाको कंपनी, क्या इसका आंसर होगा, आंसर इज दहरन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर कमिटिंग 200 मिलियन यूरो टू सपोर्ट दिल्ली कोविड 19 रिस्पॉन्स, एंड द आंसर इज फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट पॉइंट, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस, कौन है भाई? आंसर इज इमैनुअल मैक्रोन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ फ्रांस, आंसर इज यूरो, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. विच स्टेट यूटी इज गोइंग टू प्रोवाइड द लार्जेस्ट कोविड 19 फैसिलिटी इन द वर्ल्ड विथ मोर देन 10,000 बेड इन 200 हॉल्स. व्हाट इज योर आंसर गाइज, आपका आंसर क्या होगा देख लीजिए, और आपको सही आंसर करना है, राइट आंसर करना है. व्हाट इज द राइट आंसर? And the answer is Delhi. Option number A is right answer. Next point. The Delhi government is going to convert the which center into COVID-19 care facility? The center is its largest 22 football field. And the answer is Radha Swami Spiritual Center. Option number C is right answer. Next point. Name the first ever state in the country to provide ventilator bed in all the government run district hospital of all the district of the state of fight corona. So ye maine aapko padhaya. Yaad kariye, revision ke liye point hai. लड्डू गए हैं आज अपने नानी के यहाँ. एंड द आंसर इज यूपी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर 1 लाख बेड फॉर कोविड 19 पेशेंट. पहला स्टेट टू प्रिपेयर 1 लाख बेड फॉर द कोविड 19 पेशेंट. एंड द आंसर इज यूपी एज वेल एज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. हु इज द प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? ये तो सिंपल है, ऑप्शन इज अनिल बैजल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. हु हैज डिसाइडेड टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट विद बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट? किसने कैंसिल किया, तो ये आपसे पूछा गया, तो आपको ये पता है ये कंपनी कौन सी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. हु इज द चेयरमैन ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2019 के लास्ट में मैंने अपने पेड बैच में ये सब पढ़ाया हुआ था, ये मतलब ये अपॉइंटमेंट नया अपॉइंटमेंट था, दैट इज विनोद कुमार यादव, वीके यादव, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज सेट अप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द ग्रीन एनर्जी सेक्टर? व्हाट इज द आंसर? एंड द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. The Ministry of New and Renewable Energy set up a project development cell under the chairmanship of Joint Secretary. नाम आपको बताना है, ये नाम क्या है, तो नाम आपको पता है गाइस, नाम बताएं, नाम इज अमितेश कुमार सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, इसने अभी एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल एस्टेब्लिश किया है, जिसका काम है इंडिया का जो टारगेट है 175 गीगावाट ग्रीन एनर्जी में किस ईयर तक अचीव करने में ये हेल्प करेगा, ये आपसे पूछा गया और आंसर आपको देना. And the answer is 2022, option number B is right answer. ये कौन था जो बोल रहा कि 2019 अभी आया ही नहीं है? श्रेया चौधरी बोल रही है 2019 आया ही नहीं है. श्रेया अभी भी मंगल ग्रह से लैंड की है और ये अभी 2017 में चल रही है, अभी ये नींद में है, अभी उड़ जाओ बेटा श्रेया, उड़ जाओ, चलो पानी मार लो चेहरे पे थोड़ा. नेक्स्ट पॉइंट, हु इज द मिनिस्टर ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी? हु इज द मिनिस्टर ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी? व्हाट इज द आंसर? And the answer is RK Singh, option number B is right answer. Which company is going to set up global business center in Pune? Global business center in Pune. The answer is British Petroleum, option number B is right answer. Next point, where is the headquarter of the British Petroleum? Headquarter kahan pe hai? Answer is London, option number A is right answer. Next point, which of the following bank is now all set to completely digitize lending operations? To answer kya hoga ye aapko batana hai. और आंसर क्या होगा? आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा? हेडक्वार्टर कहां पे? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर वडोदरा में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. वडोदरा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा? तो बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1908 था, टैगलाइन इज द इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. India's international bank, option number D is right answer. The Indian Air Force has submitted a proposal to the central government to acquire how many new fighter aircraft from the Russia? Kitne naye aircraft? And the answer is 33, option number A is right answer. 33, option number A is right answer. तो कई लोग ऐसे होते हैं गाइस जिन्हें मैं वॉरियर बोलता हूं अपनी भाषा में. मैं देखता हूं कि ये रात में भी मतलब काफी ऑनलाइन होते हैं, रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, और सुबह मेरी क्लास में भी ये रहते हैं. कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, क्या खाते पीते हैं? मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी एनर्जी का राज क्या है भाई, हमको भी बताएं कि रात में 2-3 बजे भी सो रहे हैं तो सुबह उठ के क्लास कर रहे हैं प्रॉपर फ्रेश.
और यहाँ अगर 1 बजे जागरूक ना, तो आंख के नीचे डार्क सर्कल, आंख फूली फूली जैसा भी लग रहा हूं मैं यहाँ पे तो कैसे कर लेते हो यार तुम लोग गाइस, मतलब रियली यार तुम लोग कहीं भी जाओगे ना तो रॉक करोगे पूरा। आंसर इज 6,000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी जो क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट पॉइंट, हु विल ऑपरेशनलाइज द सेकंड स्क्वाड्रन ऑफ द तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑन May 27, 2020। रिवीजन के लिए आपके हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर राकेश कुमार सिंह भदौरिया होगा, ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो अब क्या बोला जाए, तो राकेश सिंह भदौरिया ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। दिन में बापू बोले, दिन में सोते हैं। नम्रता बोल रही है एसआरके और आशीष है। नम्रता आपको कैसे मालूम है, यानी आप भी रात में ऑनलाइन रहते हो तभी आप देख पाते हो इन लोग ऑनलाइन है ना, ऐसे लोग दोपहर सोते हैं, शाम 8 बजे सो जाते हैं। ऐसी बार बोले 8 बजे शाम होती है इनकी, तो रात कब होती है आपकी। चलिए, विच इंडियन कंपनी बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी वैल्यूड एट द 150 बिलियन USD। वी हैव 5 ऑप्शन, व्हाट इज योर आंसर, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। जो स्टूडेंट है ना यार, अगर वो दिन में सोता है तो अपने साथ बहुत गलत कर रहा है। दिन में कौन सोता है? जैसे अगर हमारे घर की माताएं बहनें सोएं तो ठीक है, दिन भर काम करती हैं, थकती हैं तो सो जाती हैं। तुम लोग क्या करते हो? और गर्ल्स आप लोग भी अभी उस कैटेगरी में नहीं आई हैं जो पढ़ाई करने वाली बच्चियां हैं, तो यार प्लीज दिन में मत सोया करो, बहुत खराब चीज है दिन में सोना यार। है कोई काम धाम तो है नहीं भाई, लॉकडाउन है कुछ, मतलब वैसे भी तो बाहर निकल नहीं उतना ज्यादा, तो कोई काम तो कर नहीं रहो, तो दिन में मत सो। दिन में सोने का काम किसका है? मम्मी लोगों का है, जो दिन जो सुबह उठ के काम करती है अर्ली मॉर्निंग में, यार हम लोग का थोड़ी ना है। और गर्ल्स प्लीज नहीं, दिन में नहीं बेटा, दिन में नहीं सोना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री अनाउंस लार्जेस्ट राइट ऑफर। तो मुकेश अंबानी रिलायंस जो कंपनी है, जियो कंपनी, वो अपना अभी राइट इशू करने जा रही है। राइट इशू कर दिया एग्जैक्टली में, कितने अमाउंट किया ये आपसे पूछा गया, और इसका आंसर क्या होगा? 53125 करोड़। और आपको पता है रिलायंस कंपनी अब क्या हो गई है? रिलायंस कंपनी अब डेब्ट फ्री कंपनी बन गई है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड अ एमओयू विद द सिडबी फॉर द पीएम स्वनिधि स्कीम। तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, पीएम स्वनिधि स्कीम इज रिलेटेड टू, तो ये स्ट्रीट वेंडर के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज लॉन्च अ स्कीम पीएम स्वनिधि फॉर स्ट्रीट वेंडर टू गेट लोन्स ऑफ अप टू ₹10,000। हु इज द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये कौन है, ये कौन है? ये है हरदीप सिंह पुरी जी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रिसेंटली विच कंपनी हैज सोल्ड इट्स ओन स्टेक फ्रॉम ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये ICICI बैंक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, तो ICICI बैंक ने करीब 1,80,000 इक्विटी शेयर अपने बेच दिए हैं। कितने अमाउंट में, ये आपसे पूछा गया है। शेयर्स की बात करें परसेंटेज में 3.69%। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 2250 करोड़ है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ICICI लोम्बार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए, तो ये था हमारा सेशन आज का, कल हम फिर मिलेंगे और कल हम लोग वीकली करंट अफेयर्स की बात करेंगे। दिन के 2 बजे आना आपको जरूरी है, ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइस, शनिवार आज है, आज का पूरा प्लान कर लीजिए कि आज आपको और कल कैसे आपको पूरे वीक का रिवीजन करना है, जो भी आपने पढ़ा। इट्स नॉट अबाउट सीए, जो भी आपने पढ़ा है क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, एज वेल एज जीए में, तो आज का पूरा दिन, पूरी रात और कल का पूरा दिन आपको रिवीजन करना है, ठीक है। आराम नहीं करना है, शनिवार रविवार हम जैसे गरीब लोग के लिए, आराम करने के लिए, आप लोग के लिए नहीं। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, आपका दिन सुपर मंगलमय हो। और गाइज जिद है तो जिद है, थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिए।